सर कुछ सर आपके आपने तरफ से कुछ कुछ भी लिखा हुआ मैं और जो दिख नहीं रहे हो वो बाद में आ रहे हो, मेरे पास तो सही दिख रहा। यू हैव सुपर कंप्यूटर। हाँ रेडियो ए 65,000 डॉट एन, मैं बता देता हूँ, एक बार मैं खुद कर लूँ उसका बता देता हूँ। मैं भी ये ज्यादा टाइम नहीं किया है, पहला दूसरा बार ही कर रहा हूँ मैं भी। वाह, हो गया सर, मैं तो क्लास दे रहा ओके और यहाँ पे अब यहां से निकलेगा और हम पेस्ट करेगा के वाले में, तो यहां हो जाएगा रेंज सेल्स 65,000 रो, नहीं 65,000 ये सही रहेगा, इनको ही रहेगा कि ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेंस अप डॉट ऑफसेट नहीं, ऑफसेट लगाएंगे ये 65,000 चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ ये 65,000 नहीं चलना चाहिए प्लान जी, यहाँ पे 65,000 और के हो जाएगा आपका कॉल। डॉट एंड एक्सेलेंस अप डॉट ऑफसेट एंड 1,0 डॉट वैल्यू डॉट पेस्ट स्पेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट के, लेकिन सीट एक्टिवेट करना पड़ेगा ना हमें, यहाँ पे सीट्स डेटा चलिए एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट रो के नीचे सर कोई मैसेज है, ये डीबग एरर आया है। हेलो, आपको राइट सुना चुप ये तो सही है, लेकिन सर ए ए ए 65,000 होगा सर। ये 65,000 यहाँ पे दे रखा ना कि एक मिनट, इसमें रेंज नहीं होगा, मैं दो ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन किए है ना इसमें, ये नहीं रेंज होगा। नहीं होगा, उसे बंद नहीं करा था शायद। हाँ अब चल गया,
ठीक है सर, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। चलो एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले हमने क्या लगाया, पहले हमने लूप लगाया कि भाई कितने सीट पे चलना है, राइट। हमने पहला लगाया कि यहां पे चले आई टू वन टू सीट काउंट माइनस वन कितना पे चलना है वो हमने यहां लगा दिया, क्लियर है। उसके बाद हमने बोला कि इस सीट के हर एक कॉलम को, हर एक कॉलम की वैल्यू को सीट वन के जो भी सीट्स है उसके हर एक कॉलम पे मैच करना है। तो हमने यहां लगाया k इक्वल टू, चलिए 127, और हमने बोला कि c इक्वल टू सेल्स 1, k डॉट वैल्यू, मतलब कि हमने ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग का नाम जो है हमने c के ऊपर स्टोर कर लिया वन बाय वन। पहले इसका करेगा, अगली बार इसका करेगा, अगली बार इसका करेगा, इसे लूप पे डाला हुआ। फिर हमने सीट आई डेट्स वक्त हमने पहली सीट पे गए। उसके बाद हमने बोला कि जो हमने सी के ऊपर स्टोर किया है ना वैल्यू, उसको इस सीट के अंदर हर एक सेल को जाके चेक करें, ठीक है, हर एक सेल को चेक करेगा। तो हर एक सेल को चेक किया और जिस सेल की वैल्यू सी के इक्वल होता है, मतलब जो हमने डेटा के जो हेडिंग के अकॉर्डिंग चल रहे है ना उसके इक्वल होता है, उस कॉलम का डेटा कॉपी करना है। तो इस कॉलम का डेटा हमने कॉपी करवाया, उसके बाद हमने इस लूप को खत्म किया और हमने बोला कि डेटा सीट पे जाओ और जिस कॉलम का वैल्यू आपने फाइंड करवाया है उसके नीचे इसको पेस्ट कर दो, समझे। देखिए वन बाय वन आपको एफर्ट करके बताते कैसे होगा। तो ए सबसे पहले गया, अब ए चला, अब ये देखिए एक और लूप चलेगा। अब सी के ऊपर क्या स्टोर हो गया, नेम, कहां से स्टोर हुआ है, इससे डेटा से, ठीक है। उसके बाद चला फोर पे जाया, अब देखिए कहां पे आ गया, पहली सीट में आ गया। अब वन बाय वन चेक कर रहा है कि यहां पे देखिए चेक किया कि इसकी वैल्यू इक्वल टू सी तो नहीं है, अब इसको दोनों का मैच बराबर मिल गया तो इसने इसका कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद उसके बाद है पूरा बाकी को चेक किया, ठीक है, क्योंकि लूप तो पूरा करेगा अपना। उसके बाद क्या हुआ, सी डेटा सीट पे गया और डेटा सीट पे जाने के बाद देखिए नेम के नीचे पेस्ट कर दिया। फिर वापस जाएगा, अब किसके पास, यहां पे। अब देखिए जनवरी दूसरी सेल को सी पे स्टोर करेगा, दूसरी सेल को सी पे स्टोर किया, अब सी की वैल्यू जैन हो गई, ठीक है। और फिर वापस आएगा और देखो चेक किया तो अब पहली सीट में पता चला सीट वन में यहां, एक मिनट कॉपी कर लिया जैन का डेटा और फिर वापस लूप को क्लोज किया। अब सीट डेटा शीट पे आएगा और इसको पेस्ट करेगा, पेश कर दिया, समझ गए। तो ऐसी सेम प्रोसीजर को हर कॉलम के लिए यूज करेगा, पेश करेगा। सर इसमें कॉलम का रेंज जो फिक्स नहीं होगा उस केस में क्या होगा, कॉलम का रेंज अगर रेंज कम और ज्यादा होता है तो हमने यहां पे 7 कर रखा है ना, 7 तक चल रहा है, उसको डायनेमिक कर दीजिए 7 को कॉलम काउंट लेके। नहीं सपोज किसी में जनवरी है, किसी डेटा में जनवरी है ही नहीं, देन वो कॉलम कैसे पेस्ट करेगा, वो जानना है। वो तो पेस्ट नहीं करेगा ना, कंडीशन कॉपी नहीं कर पाएगा तो पेस्ट कहां से करेगा। हाँ, यहाँ भाई दिक्कत आ गई, आपने सही सवाल पूछा। क्या उसको स्किप करेगा,
उसको स्किप करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें इसका ये यहाँ पे देना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीजों के लिए, तो इस पे गड़बड़ होने के चांसेज है। अब क्या गड़बड़ी होगी, चलिए उस गड़बड़ी को फाइंड आउट करेंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे। एक बार इसको रन करता हूं मैं। तो नहीं, एक मिनट, जून किसी महीने में नहीं था ना? जून किसी महीने में नहीं था, चौथे सीट में नहीं था ना? चौथे सीट में जून नहीं था, तो कुछ तो गड़बड़ है सर। अब यहाँ पे मसला ये आया कि कॉपी कहाँ से कर रहा है, कि वन कॉमा डॉट जे डॉट वैल्यू इक्वल टू सी दैन कॉपी करना है। अब यहाँ पे क्या है कि के 65,000 एक्सेलेंस अप सीट फोर को एक बार मैन्युअली करके देख लीजिए ना, वहां से कहीं कोई रन पता चले। हाँ, सीट फोर से सही बोला, हम यहाँ पे सीट आई के जगह पे सीट फोर पर हो। चलिए सॉरी, डेटा सीट पे जाना था ना मैं। जैन हो गया, फैब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, मई के बाद ये आ गया जून, इस पे गया, इस पे गया, चेक किया नहीं, 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 चेक किया नहीं। चलिए पेस्ट कहाँ से हो रहा है, अभी तो पेस्ट नहीं हुआ। पेस्ट हो गया। अच्छा हाँ, सेम डेटा पेस्ट किया सर मैं। हाँ, वही डेटा को पेस्ट कर दिया है। हेलो। हाँ, उसका उसका सॉल्यूशन। हेलो। हाँ बोलिए सर, वो पुराना जो क्लिपबोर्ड पे जो उसने कॉपी किया हुआ था ना, वही चीज को बार बार पेस्ट कर रहा है। हाँ सचिन जी, बताने के लिए धन्यवाद, मुझे भी पता चल गया कि यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने कंडीशन में डाल दिया कि वो पेस्ट तभी करेगा जब मैच करेगा। ठीक है, वो पेस्ट तभी करेगा जब वो मैच करेगा। एक प्रॉब्लम का सलूशन तो हमने यहां पे ढूंढा, लेकिन इसमें यहां पे देखोगे
अब इससे देखिए, अब इससे देखिए कि डेटा में जून का डेटा देखिए पेस्ट नहीं किया हुआ है। इससे क्या हुआ, इससे एक फायदा ये हुआ कि हमने क्या किया, कंडीशंस में डाल दिए। अब ये तो डेटा डाल रहा है, अब सीट दूसरे सीट पे आ गए ना, मई यहां देखिए, तो जून का डेटा इसमें नहीं डाला हुआ, जून का डेटा नहीं डाला। अब इसमें एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व तो कर दिया कि डेटा को रिपीट नहीं करेगा, लेकिन एक नया प्रॉब्लम इसमें आने की उम्मीद है। देखिए अब नया प्रॉब्लम क्या आएगा, इसमें नया प्रॉब्लम ये आ रहा है, देखिए डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जून में कम आएगा, ऊपर चढ़ा दिया, ये माफ कीजिए पहले से गलत डेटा आ गया था, पहले से कुछ डेटा था ना, इसलिए इसलिए आ गया। अब मैं इसको रन करता हूं मैक्रो को हमारा, तो डेटा कंपाइल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जून का डेटा कंपाइल किया, उसमें गड़बड़ कर दिया, डेटा कंपाइलिंग में गड़बड़ कर दिया। नहीं, इसको अंदर नहीं रखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, यहीं पे हमें करना पड़ेगा p इक्वल टू पी प्लस वन, और यहां यहां पे कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन ये प्रोसीजर को फॉलो करें एंड यहां पे उसके बाद प्रोसीजर को फॉलो करे एंड पी पी इक्वल टू जीरो कर देता है। अब सॉल्यूशन एक ही प्रॉब्लम रह जाएगी, ये पी क्या करे आपने, ऐसे ही काउंटर ले लिया, इसमें एक चीज आ गया कि ए ए ऊपर चढ़ा दिया, ये जो है ऊपर चढ़ा दिया, समझे, ए ऊपर चला गया। अब मुझे ये दिखाना है कि भाई जब पेस्ट करें, तो कि हम पेस्ट जो कर रहे हैं एक के ऊपर कर रहे हैं, समझे, हम पेस्ट जो कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम वाइज पेस्ट कर रहे हैं, और कॉलम वाइज पेस्ट करने का नतीजा क्या हो रहा है कि ये ऊपर नीचे डेटा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि डेटा हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीट वाइज बेस्ट तो नहीं होगा ना, सीट वाइज बेस्ट करने पे, तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम सॉल्यूशन ये होगा कि यहां देंगे कि इफ सी की वैल्यू इक्वल टू नेम है, ठीक है, सी की वैल्यू अगर इक्वल टू नेम है तो यहां पे रो रो इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एल एक्सएलएस ऑफ डॉट रो, और यहां पे हम एंड इफ करते हैं, और यहां पे
जहां हमने ये इसको ले रखा है ना कि ऊपर से नीचे आए, ये जो हम कर रखा है ऑफसेट करे एक्सेल ऐड, इस पार्ट को यहाँ हटा देते हैं और के तो रहेगा रहेगा, और रो जो हमने कर दिया वो कर दिया है आर। अब सॉल्यूशन आपका मिल गया, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए एज पर थ्योरी। प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्या हो गया। ये चीज मुझे लगाना है सीट के नीचे, यहां लगाना ठीक है। ब्लैंक हो गया ना, अब परफेक्ट है, अब नो डाउट। अब समझिए मैंने क्या किया हुआ है, अब समझिए इसको कि मैंने क्या किया। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्रोसीजर सब सेम चल रहा था। मैंने यहाँ हमने ये जो कॉपी पेस्ट था, हमने क्या अभी क्या था कि पेस्ट हर बार हो ही रहा था, पेस्ट जो था हर बार हो रहा था। तो पेस्ट करने के लिए हमने कंडीशन को कि हम यहाँ चेक करेंगे, बात यह है ना कि मैचिंग और कॉपी किसी और सेल पे करना है और पेस्ट किसी और सेल पे करना है, तो हो सकता है कि वो मैच ना हो। तो मैंने बोला कि अगर मैच होता है तो कॉपी करने के साथ साथ पी के ऊपर एक वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। इससे पता चलेगा कि पी पे वैल्यू आ गया, इसका मतलब है कि डेटा कॉपी हुआ है। उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या पी पे वैल्यू असाइन है, ऐसा है तो सीट वन में जाना है और हमें पेस्ट करना, लेकिन पेस्ट कहां पे करना है, क्योंकि मुझे यहां पे दिक्कत क्या होती है कि हर कॉलम को अलग अलग ऊपर से नीचे आएंगे, तो हो सकता है कि कोई कॉलम किसी सीट पे नहीं है तो डेटा मिसमैच कर देगा। तो मैंने यहां पे एक और कंडीशन लगाया कि इफ सी का नेम, मतलब कि कॉपी होने वाले फील्ड का नेम, अगर नेम है, क्योंकि हमारा एक फिक्स कॉलम नेम है, नेम तो होगा ही होगा, इसलिए हमने इसको ले लिया कि इसका नेम है, तो इसका रो नंबर जो है आर पे स्टोर करो। जैसे कि मां क्या करेगा कि जैसे यहां से ये डेटा उठाया और इसको कॉपी करेगा, यहां पे कॉपी करेगा, ये दो नंबर रो पे कॉपी करेगा, तो ये दो नंबर रो जो है ये आर के ऊपर स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सेल जो है, बाकी सेल अपना कॉपी करके आएगा और कॉपी करके आएगा कि ऊपर नीचे नहीं जाएगा, सीधे दो नंबर रो पे जाएगा और पेस्ट कर देगा, दो नंबर रो पे जाएगा और पेस्ट कर देगा, समझे। फिर अगली बार जब दूसरी सीट पे पेस्ट होगा तो यहां 14 नंबर रो है, तो फिर 14 नंबर रो पे पेस्ट करते हुए चला जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो हमने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का एक प्रोजेक्ट को कर दिया। ये प्रोजेक्ट मैंने कि दूसरी, इससे पहले मैंने किसी और तरीके से किया था, कंट्रोल एफ हमने क्या किया था, फाइन लगा दिया था, भाई नेम को कॉपी करो और शीट वन पे जाओ, फाइन करो फिर उसके डेटा को कॉपी करो, ये किया था। क्योंकि तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा था और वो 100% प्रूफ रीडिंग भी नहीं था, गलत हो जाते थे, लेकिन ये 100% प्रूफ रीड है, गलत नहीं, ठीक है। राशिद अली, राशिद मलिक जी, मुझे लगा है कि आपको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि ये बीच प्रोग्रामिंग है, लेकिन आप एज ए डेमो ज्वाइन ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से क्लासेस हम ले रहे हैं। अभी तो सर मैं देख ही रहा हूँ, मेरे तो सारे ऊपर में उतर गई। जब आप शुरू से करेंगे ना क्लासेस, जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी शुरू से, तो आपको हर एक चीज को बेसिक चीजें बताई जाएगी। फरहान जी, नीरज जी और विकास, समझ में आया सर? इसका पी वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा सर। क्या पी वाला पार्ट? अरे सिंपल से बात मैंने आपको समझाया ना कि पी क्या कर रहा है, ए माने कि डेटा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक स्टेटस अपने पास रख रहा है। पी वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट सिंपल सी बात है कि भैया मैंने पी को बोला अगर ये कॉपी हुआ
सेल मैच किया तो कॉपी करेगा, कॉपी करेगा तो यहां पे एक स्टेटस अपने पास रखेगा इक्वल टू p प्लस वन, जीरो प्लस वन पी वन हो जाएगा, और यहाँ सर p पे स्टोर करके एक आगे बढ़ जाएगा प्लस वन करके, हाँ प्लस वन करके आगे चला जाएगा। तो अगर p पे प्लस वन हुआ इसका मतलब कि कॉपी हुआ है। हमें यहाँ पे सुनो, हमें यहाँ पे करना है क्या है, हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि भैया कॉपी हुआ है तभी हम पेस्ट करेंगे, अगर कॉपी नहीं हुआ है तो पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लिपबोर्ड का डेटा पेस्ट कर रहा था ना, आप देख रहे थे क्लिपबोर्ड का डेटा पेस्ट कर रहा था। यस सर। तो क्लिपबोर्ड का डेटा पेस्ट ना करें। सर इसमें एक चीज सर इसमें एक चीज गाइड कर दीजिए कि ये नेम वाला फैक्टर सी नेम इज इक्वल टू नेम देन ये क्या कर रहा है, कौन सा कंफ्यूजन है कि वो जो ब्लैंक रो छोड़ रहा है, ब्लैंक कॉलम छोड़ रहा है वो किस यानी के तरह छोड़ रहा है। देखिए हुआ क्या कि हम ये नेम का पार्ट जब नहीं किए हुए थे तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि यहां से डेटा को कॉपी करते थे, डेटा सीट पे जाते थे और ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लाके यहां पेस्ट कर देते थे, करते थे ना। तो उसमें मान लीजिए फरवरी, मान लीजिए जनवरी का डेटा नहीं है इसमें, तो हमने यहां पे पेस्ट कर दिया राइट। अब दूसरी सीट में क्या होगा कि दूसरी सीट में हम इसको कॉपी करेंगे, नेम पे कॉपी किया तो नेम पे कॉपी करने के बाद मैं यहां पर पेस्ट कर दिया राइट। उसके बाद यहां जनवरी का डेटा था, अब जनवरी के डेटा हमने कॉपी करके एज पर रूल हमको यहां पेस्ट करना चाहिए ना जी। लेकिन इससे पहले वाला मेथड क्या था कि नीचे से ऊपर जाता था और ऊपर से नीचे आके यहां पेस्ट कर, इससे क्या हुआ कि इसका डेटा इसके ऊपर चल रहा। तो इसी सॉल्यूशन को रोकने के लिए हमने हमने बोला कि भैया नेम जो कॉलन है वो तो हमारा फिक्स कॉलन है, क्योंकि वो तो हर डेटा में है, तो एक जो आईडी होगा यूनिक हो जो होगा नेम तो होना ही है, होना ही है। तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि जहां नेम कॉपी हो रहा है उसका रो नंबर ले लो, मतलब कि जब इसको हमने नेम को कॉपी किया, नेम को कॉपी कर लिया, नेम को कॉपी करने के लिए हमें ऊपर से नीचे आके यहाँ कॉपी किए ना हमने, ठीक है। तो हमने बोला कि जहां नेम हमारा पेस्ट होगा उसका रो नंबर ले लो, कैसे, r इक्वल टू रेंज a15000.xrow यहां ले लिया। अब हमने बोला कि भैया आप सबको पेस्ट जो करना है वो जहां नेम पेस्ट हुआ है ना उसी के सामने उसी रो के उस कॉलम में, कॉलम अलग रखे रो वही रहेगा। तो ये हमने यहां पे कर दिया कि कॉलम आर है और के हमारा कॉलम, तो के चेंज हो रहा है आर हमारा फिक्स है, समझ गए, ठीक है समझ गए जी। बाकी इसको आप लोग स्टडी करोगे खुद से बनाओगे तो बाकी चीज आपको समझ में आ जाएगी। सर इसमें एक डाउट है, बोलिए क्या डाउट है सर। तो इसमें आपने तो डेटा सीट में तो फिक्स रेंज कर दिया ना कि इतना ही डेटा होगा मेरा, वन टू सेवन करके, सपोज अगर किसी सीट में डेटा सात से ज्यादा है तो आपको डायनेमिक करना नहीं सिखाया हुआ है, डायनेमिक कर लीजिए तो कॉलम काउंट, कॉलम काउंट कर लीजिए, कॉलम काउंट कर लो आप, कॉलम काउंट करवा लीजिए ना कि सबसे लास्ट में जाएगा और यहां से यहां आएगा इसका कॉलम ले लेगा। नहीं उसका कॉलम तो ले लिया, इसमें डेटा सीट में उसने कॉलम ले लिया ना, लेकिन डेटा सीट में ऐड कैसे करेगा हेडर, क्या डेटा सीट में ऐड करेगा, डेटा जो डेटा सीट है उसमें हेडर ऐड कैसे करेगा एक्स्ट्रा अगर कॉलम हुआ किसी सीट में, तो वो तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, इस मैक्रो के साथ में मैनुअल करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, यही बोल रहे हैं ना जो फर्स्ट टाइम जो मैंने हेडिंग डाला है ये कैसे डालेगा। नहीं ये तो आपने डाल दिया वो मुझे मालूम है, 12 मंथ ले लो किसी सीट में अगर ज्यादा हेडिंग हुआ उसके उस केस में क्या करेंगे, तो छोड़ देगा तो उसी को ऐड करना है, वो कैसे करेंगे वही जानना था, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब हम यहाँ पे जो हेडिंग डालेंगे ना फर्स्ट टाइम मैनुअल जो डालेंगे हम सारे कॉलम चेक करके डालेंगे ना, टोटल हेडिंग डालेंगे इन सब कंबाइंड हेडिंग यहाँ आएगा ना, तो ज्यादा होने का सवाल ही नहीं उठ रहा है।
तो मैनुअली फाइंड करके डालना पड़ेगा फिर मैक्रो रन करना। फर्स्ट अभी तो इस मैक्रो के साथ फाइंड करना है, अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए भी एक मैक्रो बन जाएगा। सर डिफरेंट वर्क भी एक कैसे होगा वो ये भी बता देना नेक्स्ट क्लास में कभी, क्योंकि मैं डिफरेंट वर्कबुक से कॉपी नहीं हो पा रहा, मैंने ऐसे ट्राई करा था सब वो सारे प्रोजेक्ट मैं ही बताऊंगा, तो फिर आप क्या करेंगे जस्ट देखेंगे है वहाँ पे ऑफिस में डीबग एरर आ रहा था डिफरेंट वर्कबुक से। मतलब ये तो आपने सीट वाइज बता दी, सेम सीट में एक ही वर्कबुक में 10 सीट है तो वहां तक कंपाइल कैसे होगा। मैंने सैटरडे को आपको होमवर्क दिया था ना, तो आपको करना था ना सर, मैंने क्लास नहीं लिया था, सारे प्रोजेक्ट मुझसे ही करवा लो आप। नहीं ये बात नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ प्रोजेक्ट दू ही नहीं, मैं खुद ही सारे सॉल्व करता चला जाऊँ, वो भी अच्छा होगा। ये भी गुड है, ठीक है आप लोग कीजिए, ठीक है मैं मिलता हूँ कल।